नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद अभी तक वहां पर हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। तो वहीं आज भी सुबह दो लोगों को एयरलिफ्ट करके कुल्लू ले जाया गया, तो उसके बाद एक और मरीज को एयरलिफ्ट की सहायता से कुल्लू ले जाया गया। तो वहीं अभी तक तीन मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, चूंकि बर्फबारी का दौर लाहौल स्पीति। पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरे की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, MSP दिया गया, यानी कि गाय का दूध एक लीटर एक किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। जारी है और सड़कें कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा अवरुद्ध हो चुके हैं और सड़कें बंद। अब ऐसे में जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। इसी बाबत आज सुबह दो मरीजों को सेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराकर कुल्लू अस्पताल ले जाया गया। तो वही अब तीसरे मरीज की बात की जाए जिसको हार्ट अटैक हुआ था, उसको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के चोपर से एयरलिफ्ट कराकर कुल्लू अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वही आपको जानकारी दे दी कि देखिए किस तरीके से बर्फबारी के चलते सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद पड़ी है। अब ऐसे में सुबह दोनों मरीजों को लाहौल घाटी से एयरलिफ्ट कर भुंतर हवाई अड्डा लाया गया। भुंतर हवाई अड्डा से एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों मरीजों को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज चल रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से दो मरीजों को सुबह सैनिकों के चोपर से एयरलिफ्ट कराकर भुंतर बस हवाई अड्डे में देखिए ले जाया गया, जहां पर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा। तो वहीं तीसरे मरीज को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चोपर से एयरलिफ्ट कराकर देखिए कुल्लू अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बाबत जानकारी के लिए जिला परिषद का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद अभी तक वहां पर हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। तो वहीं आज भी सुबह दो लोगों को एयरलिफ्ट करके कुल्लू ले जाया गया, तो उसके बाद एक और मरीज को एयरलिफ्ट की सहायता से कुल्लू ले जाया गया। तो वहीं अभी तक तीन मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, चूंकि बर्फबारी का दौर लाहौल स्पीति में जारी है और सड़कें कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा अवरुद्ध हो चुके हैं और सड़कें बंद। अब ऐसे में जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। इसी बाबत आज सुबह दो मरीजों को सेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराकर कुल्लू अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं अब तीसरे मरीज की बात की जाए जिसको हार्ट अटैक हुआ था, उसको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के चोपर से एयरलिफ्ट कराकर कुल्लू अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वही आपको जानकारी दे दी कि देखिए किस तरीके से बर्फबारी के चलते सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद पड़ी है। अब ऐसे में सुबह दोनों मरीजों को लाहौल घाटी से एयरलिफ्ट कर भुंतर हवाई अड्डा लाया गया। भुंतर हवाई अड्डा से एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों मरीजों को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज चल रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से दो मरीजों को सुबह सैनिकों के चोपर से एयरलिफ्ट कराकर भुंतर बस हवाई अड्डे में देखिए ले जाया गया, जहां पर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा। तो वहीं तीसरे मरीज को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चोपर से एयरलिफ्ट कराकर देखिए कुल्लू अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बाबत जानकारी के लिए जिला परिषद का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए।